स्वागत हमारे चैनल एसके पी व्लॉग में। तो आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब भी हमें कच्ची गांव और कच्ची गांव के जिस पुल पे हैं काफ़ी मशहूर है और यहां पे फोटो शूट करने के लिए काफ़ी अच्छी प्लेस है। यहां पे दूर दूर से लोग फोटो शूट करने के लिए आते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, यहाँ का व्यू दिखाते हैं और फोटो को शूट कराना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट प्लेस है, एक बार यहाँ पर जरूर आएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे जो पुल है अभी तो बंद है फिलहाल, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है आने जाने में। और ये जो प्लेस देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत है, आप पीछे देख सकते हैं क्या नज़ारा है। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग फ़ोटो शूट के लिए आना चाहते हैं और फ़ोटो शूट कराना चाहते हैं, तो बहुत ही बेस्ट प्लेस है फ़ोटो शूट के लिए। और आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए यहाँ का व्यू आपको दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत है। और नीचे चल के भी दिखाता हूँ आपको। इसे पूरा आप देख रहे हैं, पूरा कच्ची गाँव है और अभी तो फिलहाल ये वाला पुल बंद है। और जो सामने आप पुल देख रहे हैं ये अभी इस पुल से सब आना जाना करते हैं और आप यहाँ फ़ोटो शूट करा सकते हैं। और ये फ़ोटो शूट के लिए काफ़ी बेस्ट प्लेस है और काफ़ी खूबसूरत देखने में यहाँ का व्यू है। और बहुत दूर दूर से लोग हमें फ़ोटो शूट के लिए भी आते हैं। और मौसम देखिए क्या बादल छाया, कितना गजब लग रहा है देखने में। और कुछ दोनों तरफ से ऐसा आपको व्यू देखने को मिल जाता है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत है। पुल देख रहे हैं, इसके नीचे पूरा पानी है और ये बारिश में पुल पूरा डूब जाता है। और ये तो अभी फ़िलहाल चालू नहीं है, बाइक कोई आ जा सकते, फोर व्हीलर आ नहीं सकता है। और जो उधर वाला पुल है वो पुल भी काफ़ी खूबसूरत है, उस पुल पे भी चलूँगा, आपको दिखाऊंगा कि पुल कैसा है और वहाँ से क्या नज़ारा देखने को आपको मिलता है। और ये फ़ोटो शूट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और व्यू यहाँ का ना लाजवाब है, मतलब कोई भी शब्द नहीं है कहने के लिए। कि देखिए आप दोनों साइड देख सकते हैं, पूरा खूबसूरत नज़ारा है और पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग फ़ोटो शूट के लिए आते हैं, फ़ोटो शूट के लिए और घूमने के लिए भी आते हैं। काफ़ी शांत एरिया है, आप लोग नज़ारा देखिए, देखने में काफ़ी खूबसूरत है। और ये देख सकते हैं पानी, और यहाँ पे नीचे भी जा सकते हैं, उधर से सीढ़ी बना हुआ है। अब जहाँ बाइक देख रहे हैं उससे बाजू में सीढ़ी बना है, अब नीचे भी जाके फ़ोटो शूट करा सकते हैं। और काफ़ी औसम है और पानी समय तो थोड़ा गंदा दिख रहा है, साफ़ नहीं है, बाकी काफ़ी लाजवाब। उस साइड आप देखेंगे तो पहाड़ आपको देखने को मिल जाएगा और काफ़ी खूबसूरत प्लेस है। हम लोग जो नया वाला पुल बना है उस पर आ चुके हैं और यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है, कैसा व्यू देखने को मिलता है, तो इस वीडियो में बात करेंगे। और चलिए यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। काफ़ी लंबा पुल बनाया गया है और आपको दिखाता हूँ कि आप इस पुल से तो नज़ारा काफ़ी चांद चांद हो जाता है और काफ़ी लाजवाब इस पुल से आपको देखने को मिलता है। तो चलिए आपको इस पुल से क्या नज़ारा देखने को मिलता है सब बताता हूँ, तो आप देखिए और सिनेमेटिक शॉट इन्जॉय कीजिए यहाँ का। से इधर का नज़ारा जो देखने को मिलता है ना, जो कि काफ़ी खूबसूरत देखने में है और यहाँ से जो नज़ारा है लाजवाब है। तो गाइस आप देख सकते हैं नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। और इस साइड जैसे आपको दिखा रहा हूँ उसी साइड दमन पड़ता है। और ये जो रास्ता आप जो ये पुल देख रहे हैं इधर से भी आप दमन जा सकते हैं जमपुर बीच, और ये जमपुर बीच जाने के लिए काफ़ी आसान और सही तरीका है। इस साइड से आप जाने में आपको काफ़ी नज़दीक पड़ता है। देख रहे हैं व्यू काफ़ी लाजवाब है देखने में। और हमारे कुछ फ्रेंड लोग आ रहे हैं तो उन लोग भी आते हैं तो आपको मिलवाते हैं और उन लोग से पूछते हैं कि प्लेस कैसा है। तो आप वीडियो में बने रहिए और देखते हैं, उन लोग सबसे आते हैं अभी कुछ देर में, वो लोग पहुंच जाएंगे यहाँ पे तो उनसे भी आपको मिलवाते हैं और बात करवाते हैं। और जो जो आ रहे हैं उन लोग को आप सब जानते ही होंगे बहुत अच्छी तरीके से। जब ब्लॉगिंग किया जाता है तो कुछ पब्लिक देखती है तो काफ़ी ख़तरनाक उन लोग का रिएक्शन रहता है, लेकिन कभी कभी तो थोड़ा शर्म जैसा आने लगता है, बट फिर सोचते हैं अपना तो काम ही है, ये शर्माएंगे तो कैसे ब्लॉगिंग कर पाएंगे, और जो सपना देखें वो तो पूरा करना ही है, बस यही है। एक चीज़ आप लोग को कहना चाहता हूँ, जो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसे मन लगा के काम कीजिए, आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी। आप अभी से हिम्मत हार जाइएगा तो आप फिर उस चीज़ के लायक नहीं बन पाएगा। कोशिश करिए और आप खूब मेहनत उसके प्रति कीजिए, आपको सफलता मिलेगी ज़रूर। और आप जैसे आप ब्लॉग करना चाहते हैं तो ब्लॉग कीजिए और कुछ ही दिन में
कुछ लोग होते हैं जो डीमोटिवेट होते हैं, छोड़ देते हैं, तो मैं उन लोग से यही कहना चाहता हूँ, देखो मैं भी बहुत दिन से वीडियो बना रहा हूँ, किसी किसी वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिल जाता है और किसी किसी वीडियो पे अच्छा नहीं रिस्पांस मिलता है। काफ़ी ज़्यादा मैं भी डीमोटिवेट होता हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ फिर आज मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया और छोड़ दूंगा तो जो हमारे फ्रेंड लोग हैं वो लोग क्या सोचेंगे, वो चला था ब्लॉगिंग करने के लिए लेकिन नहीं कर पाया तो आपको मजाक उड़ाएंगे। तो आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत कीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। हिम्मत हार जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत कीजिए सब मिलेगा। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मन तन लगा के आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए। रहें चाहे केरी मिनाटी हो, चाहे अमित बड़ाना जी हो, चाहे बीबी की वाइंस हो, मैं आप सबकी बता रहा हूँ, वो भी सब जीरो से ही शुरू किए थे और वो आज वो भी उन लोग के शुरुआत में ही व्यूज़ नहीं आते थे, मेहनत किए करते गए आज देखिए वो कहाँ पे हैं। तो आप भी वैसा ही सोचिए, आज आपका व्यूज़ नहीं आ रहा है, चाहे आपकी कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो उससे आप घबराइए मत, आप अपने कंटेंट पर ध्यान दीजिए और मेहनत कीजिए और 100% है जो कि आप भी एक सफल यूट्यूबर बन जाएंगे। यूट्यूबर नहीं, आप समझ लीजिए कि अपने पूरी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। कोई भी आप काम करना चाहते हैं तो पहले ही आप हिम्मत हार जाइएगा तो उसे कर नहीं पाएगा। कोई आप किसी भी चीज़ के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर भरोसा करके आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। देखिए एक यूट्यूब समझ लीजिए कोई ऐसा ही है, आप इस पर भी भरोसा करके काम कीजिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ और आप सब प्यार सपोर्ट बनाए रहेगा तो मैं भी आगे निकल सकता हूँ और आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, आप जान ही रहो। और आप लोग प्यार सपोर्ट बनाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए जिससे हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं, वीडियो बनाने का मन करता है। और आप सभी का प्यार सपोर्ट बना रहा तो इससे अच्छा अच्छा कंटेंट बनाऊंगा, पूरी मेरी कोशिश रहेगी। तो चलिए देखिए और हमारे वीडियो को एंजॉय कीजिए, तो चलिए देखते हैं और आगे क्या होता है। तो आप सबको पूरा मिलना वीडियो में, बने रहिए। गाइस वो देख रहे हैं वो जो पुल दिख रहा है आपको सामने, उसी पुल पे मैं वीडियो शूट किया था और वो भी देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देखने में नज़र भी आता है और ऊपर से देख सकते हैं वहाँ का व्यू काफ़ी लाजवाब है और इस साइड आपको पूरा जंगल झाड़ी देखने को मिल जाएगा। हमारे फ्रेंड लोग आ चुके हैं और अगर आप प्लास्टिक दीपक भाई और पंडित जी, तो आज पंडित जी शादी के लिए बात पक्का करके आए हैं और मेरी नहीं बाजू वाले की जो कि इसका है और ये अभी चुसा गया था रास्ते में गिर गया गाड़ी लेके। कैसे गिर गया भाई? भाई बहुत मजा आया गिरने में बोल रहा है कि गिरने में बहुत मजा आया। तो हमारी पूरी टीम मिल चुकी है और यहाँ पे फन करते हैं, तो आप बने रहिए वीडियो में और सपोर्ट बनाइए बस, और भाई आपका अच्छा से अच्छा कंटेंट बना के दिखाएगा। ये हम लोग नीचे चलते हैं और सभी बंटाई लोग और ये किधर बंटाई, कैसे हो भाई? मस्त ना? और ये रहे अभिषेक और पंडित जी, तो अभी चलते हैं नीचे और नीचे का व्यू आपको दिखाते हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। नीचे आ चुके हैं जो नीचे, तो काफी ज्यादा मजा है। ये फोटो शूट के लिए मस्त है ना दीपक भाई? एक नंबर फोटो शूट के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, फोटो शूट करा सकते हैं और ये काफी अच्छी जगह है फोटो शूट के लिए और मैं फुल तरीके से रिकमेंड करता हूँ आपको, यहाँ पे आइए फोटो शूट कीजिए। और देखिए यहाँ पे पहाड़ भी है, पहाड़ पे भी जाके आप फोटो खिंचवा सकते हैं। क्यों पंडित जी, सही बोला ना? पंडित जी हमेशा शर्मा जाते हैं, हम क्या करें, लेकिन दीपक भाई मौज कर देते। क्या दीपक भाई, फुल मौज? बहुत बढ़िया भाई, बहुत। एक नंबर प्लेस है ना? एक नंबर। मजा आएगा कि नहीं? बहुत बढ़िया भाई, तो इसी बात पे लाइक ठोक दो। करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपना प्यार सपोर्ट बनाएं ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के दिखाऊं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे करते समाप्त। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद जय भारत, और मिलते हैं को नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।